आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में आज पधारे सभी अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के सभी प्रबुद्धजनों भाइयों बहनों का मैं बोस्टन की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अमेरिका में भारत के राजदूत श्री तरनजीत सिंह संधू जी, यहां के कौंसलर जनरल रणधीर जायसवाल जी, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, उत्तराखंड देवभूमि के पूर्व मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, आप सभी पधारे प्रभुजन भाइयों और बहनों, विशेष रूप से वो विद्यार्थी जिन्होंने अपनी कला संस्कृति की अभिनव प्रस्तुति दी, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इस बोस्टन शहर के अंदर जहां आजादी का संघर्ष भी एक लंबी कहानी है, जो दुनिया के बेहतरीन और उत्कृष्ट विश्वविद्यालय यहां पर हैं, जहां दुनिया के अलग अलग देश के नौजवान विद्यार्थी अध्ययन करना आते हैं, रिसर्च करने आते हैं, इनोवेशन करने आते हैं। ये बोस्टन शहर एक ऐतिहासिक भी है और अमेरिका का सबसे पुराना शहर भी है। यहां पर आप निवास कर रहे हैं, कई लोगों को एक पीढ़ी हो गई, कई को दो पीढ़ी हो गई, कई को भी कुछ समय हुए, लेकिन आप सबने आपकी संस्कृति संस्कार, आपकी कर्मठता कार्यकुशलता परिश्रम और विशेष रूप से भारतीय मूल के लोग जहां भी रहते हैं उनका सामाजिक सरोकार, सामाजिक सेवाएं, उनकी सभी सोसाइटी के में समर्पण सेवा की भावना, इसके कारण उनका एक व्यापक सम्मान उस देश में भी होता है, उस शहर में भी होता है। मेरा जितने भी देशों में जाना हुआ वहां मैंने देखा कि भारतीय कम्युनिटी के प्रति जिस तरीके का सम्मान वहां पर है, वह सम्मान अपनी कार्यदक्षता के कारण तो है सही, लेकिन उसके बाद आपदा और संकट के समय जिस तरीके से भारतीय मूल के लोगों ने अपने संस्कार के, अपनी संस्कृति के तहत उस आपदा संकट में उस सोसाइटी का योगदान दिया, सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए दुनिया भर के अंदर भारतीय मूल के लोगों का सम्मान है। और विशेष रूप से जो हमारे नौजवान
युवा हैं जिनके अद्भुत बौद्धिक क्षमता, नया सोच, नया विचार, नया इनोवेशन और नए रिसर्च के साथ उस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव में योगदान, उसके कारण भी दुनिया का अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ा। आज मेरा यहां पर कुछ नौजवान विद्यार्थियों से मिलना हुआ और वो नौजवान विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, नया इनोवेशन सोच रहे हैं और अपने अध्ययन करने के साथ साथ हम क्या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस देश को भी और हमारी जन्मस्थली को भी, उसके लिए मुझे लगा कि आने वाले समय के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विचार आजादी के 15 अगस्त पर लाल किले से कहा कि जब आजादी के शताब्दी वर्ष होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा तो हमारे नौजवानों का होगा और इसीलिए आज हमारे नौजवानों की सामर्थ्य शक्ति के कारण भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की एक अद्भुत संकल्प शक्ति है। हमारी संस्कृति और संस्कार में वसुदेव कुटुंबकम के संस्कार हैं और इसीलिए जब वैश्विक महामारी कोविड दुनिया में हुई, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी हुई, दुनिया के अन्य देशों के अंदर भी हुई, उस समय भारत ने जहां भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, जहां अगर हम अमेरिका अन्य विकसित राष्ट्रों के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करें, भारत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करें, तो निश्चित रूप से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था अन्य विकसित राष्ट्र की तुलना में, लेकिन हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति थी, हमारे सामूहिक प्रयास थे और उसके कारण हमने कोविड जैसी चुनौतियों का जिस तरीके से समाधान निकाला, कोविड जैसी चुनौतियों के समय हमने हमारी वैक्सीनेशन बनाकर दुनिया को नए इनोवेशन, नए विज्ञान रिसर्च करने के बारे में बताया कि भारत अब रिसर्च कर सकता है, विज्ञान टेक्नोलॉजी के अंदर आगे आ सकता है, ये दुनिया के अंदर भारत ने करके दिखाया। और 2 बिलियन वैक्सीनेशन लगाना, जब मैं कई देशों के अंदर जब चर्चा करता हूं तो किसी देश की आबादी 30 मिलियन, किसी देश की आबादी 1 मिलियन और बड़ा देश हो तो 40-50 मिलियन, उस समय हमें गर्व होता है कि इतने बड़े देश के अंदर हमने वैक्सीनेशन का ड्राइव किया, सफल ड्राइव किया और उस कोरोना महामारी के अंदर हमने हमारे समाज को सुरक्षित रखने का काम किया। मित्रों, ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और मुझे खुशी है कि मैं जब कनाडा गया तो कनाडा में जिस तरीके से वहां पर
भारत के रहने वाले मूल लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह संकल्प के रूप में मनाया। मुझे अमेरिका के अंदर भी बताया कि अमेरिका के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर भी आजादी के अमृत महोत्सव को बहुत उत्सव उमंग के साथ मनाया। हमने इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में इस देश के सामाजिक आर्थिक विकास की उपलब्धियों को देश को बताने का काम किया और अगले 25 साल के अमृत काल के अंदर भारत के विजन को दुनिया के सामने रखा। और आज मुझे खुशी है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत बदलती दिशा की ओर दुनिया देख रही है। आज भारत के अंदर किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में चले जाएं, चाहे मेडिकल के सेक्टर में चले जाएं, चाहे आईटी के सेक्टर में चले जाएं, नए इनोवेशन स्टार्टअप के सेक्टर में चले जाएं, हर सेक्टर के अंदर भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तेज गति से भारत बदल रहा है, इस 25 साल की यात्रा के अंदर हमने जो विजन जो लक्ष्य तय किए गए कि इतनी बड़ी आबादी को आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी भारत की है, आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी में हमने हर घर के अंदर लाइट कनेक्शन पहुंच गया है, कोई गांव नहीं बचा जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हो, हर घर पर पीने का पानी पहुंच रहा है, हर घर में गैस कनेक्शन पहुंच रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, 6 लाख गांवों में से 4 लाख गांव के अंदर हमने फाइबर केबल बिछाकर डिजिटल गांव करने की दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आने वाले इस 2 वर्षों के अंदर हम सारे गांव को डिजिटल गांव कर देंगे। हमारे एजुकेशन हेल्थ सभी सेक्टरों के अंदर भारत के अंदर बदलाव है और इस बदलाव के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी एक व्यापक बदलाव भारत में आप देख रहे हैं। आज दुनिया के देशों के लिए आर्थिक डेस्टिनेशन है तो भारत है, आबादी की दृष्टि से भी और सरकार की नई नीतियों और टैक्स पॉलिसी के कारण भी आज दुनिया के अधिकतर देश भारत में निवेश कर रहे हैं। और इसीलिए हमने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की। कोई समय था कि जब हम डिफेंस सेक्टर के अंदर 100% हम अन्य देशों पर निर्भर करते थे, आज डिफेंस जैसे सेक्टर के अंदर भी हम 70% आत्मनिर्भर हैं। हमारा लक्ष्य 100% आत्मनिर्भर भी है और आने वाले समय में हम डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट के बड़े देश भी बनने जा रहे हैं। अभी संधु साहब ने बताया कि मेडिकल सेक्टर के अंदर आज दुनिया के अंदर सबसे सस्ती मेडिसिन अगर एक्सपोर्ट करने का हब है तो भारत है। अब केवल हमें मेडिकल सेक्टर के अंदर नए रिसर्च को किस तरीके से विकसित देशों से हम टेक्नोलॉजी लें, रिसर्च लें और टेक्नोलॉजी रिसर्च लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सब यहां पर रहते हैं, आप इस बदलाव को देख रहे हैं, आपको भी अब अपने मित्रों को सहयोगियों को भारत में निवेश को लगाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। निवेश की बहुत संभावना है, हर सेक्टर के अंदर निवेश की संभावनाओं के नए रास्ते खोले हैं।
कई सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई खोलने का रास्ता खोला है। इसलिए अगर भारत को बदलना है तो हमें इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, टूरिज्म के अंदर जितनी विविधताओं को, कला संस्कृति और विविधता वाला देश है, दुनिया के अंदर भारत जैसा कोई विविधता वाला देश नहीं है और हमारी विविधता हमारी ताकत है। इसलिए हम तीन सेक्टर के अंदर जबरदस्त तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम इन तीनों सेक्टरों को किस तरीके से आगे ले जाएं, इसके लिए दूतावास लगातार काम कर रहा है और मुझे आशा है कि कई देशों से ट्रेड के सेक्टर के अंदर हम कई देशों से हमारी ट्रेड एग्रीमेंट टीटी हो रही है। ट्रेड में, टूरिज्म में, टेक्निक में, इन तीन सेक्टरों के अंदर भारत के अंदर जबरदस्त तरीके से बदलाव हो रहा है और इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं। तो इस बदलाव में अगर कोई योगदान है तो भारत के लोकतंत्र का है। भारत का लोकतंत्र सबसे, दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र है। भारत वो देश है जहां सभी धर्म को अपने अपने धर्म अनुयायी के रूप में पूजा अर्चना करने की अगर स्वतंत्रता है तो दुनिया के अंदर भारत के अंदर है, अभिव्यक्ति की आजादी है तो भारत के अंदर है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा लोकतंत्र है और इस 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा में भारत का संसदीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हम जब 1952 के अंदर जब हमारा प्रथम चुनाव हुआ था और 17 आम चुनाव के अंदर लगातार मतों का प्रतिशत बढ़ना और विशेष रूप से मतों की प्रतिशत के अंदर महिलाओं का प्रतिशत बढ़ना हमारे लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी संसद में हर विषय पर व्यापक चर्चा होती है, संवाद होता है, बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं, हर मान्य सदस्यों को देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा संवाद का पर्याप्त समय देने की कोशिश करते हैं। जितना लोकतंत्र में चर्चा संवाद होगा और चर्चा संवाद के अंदर से जो अमृत निकलेगा उससे ही हम अधिकतम कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए हमारे आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने लोकतंत्र की कौन सी पद्धति हो तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पद्धति आज संसदीय लोकतंत्र की, शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और दुनिया के अधिकतम देशों ने इस संसदीय लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया। इसलिए हमारे इस आर्थिक सामाजिक बदलाव में बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र का है, जनता की सक्रिय भागीदारी का है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत के अंदर आप सबका सहयोग रहेगा। आज भारत की आवाज दुनिया के अंदर सुनी जाती है। भारत का विजन, भारत का निर्णय, भारत का सोच दुनिया उस पर विचार करती है। हम क्योंकि शांति स्थिरता हमारे संस्कार संस्कृति में, हमने आजादी की लड़ाई भी लड़ी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ी। बौद्ध धर्मों, महावीर स्वामियों सभी ने हमारे देश के अंदर सत्य अहिंसा का संदेश दिया। इसलिए हमारा मानना है कि दुनिया के हर देश को अगर प्रगति करनी है तो शांति और स्थिरता रखनी होगी और हमारा भी ये संकल्प है कि शांति स्थिरता बनाते हुए अपने अपने देश सब प्रभुता से आगे बढ़े, तभी देश आगे, सारी दुनिया आगे बढ़ पाए।
और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसी विजन से कहा कि अब दुनिया सब एक है। कोई समय था कि एक देश के अंदर कोई भी बाहर अगर शांति होती है, अस्थिरता होती है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आज किसी भी देश में अशांति होती तो उसका प्रभाव दुनिया के सब देशों में पड़ता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मत है कि हम शांति स्थिरता के साथ दुनिया के सब देश आगे बढ़े। जितना दुनिया के सब देश आगे बढ़ेंगे वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के तहत, उतना ही हर देश के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव होगा। मुझे आशा है कि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस अमेरिका की धरती पर है और उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका भारत में भी है, क्योंकि आपकी कर्मभूमि ये दुनिया का बड़ा विकसित राष्ट्र है, लेकिन आपकी जन्मभूमि संस्कार संस्कृति और आध्यात्म की धरती भारत है। मुझे आशा है कि आप इस भारत की धरती में लगातार इसी तरीके का कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, योगदान देते रहेंगे और इसी तरीके से आप सबके सहयोग से बदलते भारत में आपका विशेष रूप से सहयोग हो। देश विश्व में फैले हुए 30 मिलियन से ज्यादा भारतीय लोगों की सकारात्मक सहयोग हो, मुझे लगता है कि 30 मिलियन लोगों का सकारात्मक सहयोग भारत का होगा तो बदलते भारत की तस्वीर में आपका योगदान विशेष रूप से रहेगा। मैं पुनः यहाँ के एम्बेसडर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो आपसे मिलने का मुझे मौका दिया, और निश्चित रूप से जब भी आप भारत आएंगे तो मेरी इच्छा रहेगी आप संसद की कार्यवाही को लाइव देखें। और मैं विशेष रूप से हमारे जायसवाल साहब से आग्रह करूंगा कि वह आपके लगातार संपर्क में रहेंगे, आप भी दूतावास से लगातार संपर्क में रहें और आप भी आए अमेरिका के मूल लोगों को भी लेकर आए, वहां भारत की संस्कृति संस्कार वहां की कला वहां के विभिन्न स्थान ऐतिहासिक स्थान उनको भी देखने का मौका मिले। जितने हम भारत में लोगों को लेकर आएंगे उतनी उस मिट्टी की सुगंध को लेकर वो विश्व में लेकर भारत की संस्कृति संस्कारों का प्रचार करेंगे। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि जब भी आप भारत आए तो भारत की संसद को जरूर देखें। हम आने वाले जनवरी के अंदर 2023 में हमारा प्रयास है कि भारत की नई संसद का भवन भी निर्माण भी तैयार हो जाएगा और आपको पुरानी और नई संसद दोनों देखने का मौका मिलेगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।